मुझे तुम पर गर्व है पुत्र हनुमान। केसरी जी, जो पुत्र अपने माता पिता के दायित्व को, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए प्राण प्राण से प्रयास करे, उस पुत्र पर तो सारा संसार गर्व करता है। किंतु मुझे वचन पूर्ण करने में बहुत विलंब हो गया माँ। माँ, और अब आप अधिक विलंब मत कीजिए, मैं अभी पूजा का थाल लाता हूँ। आप पूजा आरंभ कीजिए, अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। चंद्र पूजन आरंभ करो पुत्री अंजना। ओम चंचंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः। ओम सुधाकराय नमः, ओम शशधराय नमः, ओम चंगनिशीनाथाय नमः। अब तो कुछ खा लीजिए। तुम्हारे हाथ से भोजन करके तुम्हारी माँ के देह में अनुपम शक्ति आ गई है। हाँ हनुमान, तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ की चेतना लौट आई थी। हनुमान, ये तो बताओ कि शनि देव इतने अधिक क्रोधित थे चंद्रदेव के साथ, तो उन्होंने चंद्रदेव को क्षमा कैसे कर दिया? माँ, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, किंतु पहले आप ये बताइए आप और क्या सेवन करना चाहेंगी? पुत्र हनुमान, मेरी भूख प्यास सुख आनंद सब तुमसे ही है पुत्र। तुम नेत्रों के समक्ष हो तो मेरा मन यूं ही तृप्त हो जाता है। का सच्चा आनंद पुत्र के स्पर्श और दर्शन में है, पुत्र का सुख माता के आंचल में। माता और संतान के इस प्रगाढ़ संबंध में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं।
समय आ चुका है हनुमान, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। ये विशालकाय छाया क्या है? ये तो कोई असुरी माया प्रतीत हो रही है। मैं जो हूँ तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। ऐसा ही अग्र होगा अब तुम्हारे परिजनों के साथ। इसने तो वृक्ष को भी भस्म कर दिया। किस किस को रक्षित करोगे? रुक जाओ वहीं। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? ये क्या? ये तो मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही है। नहीं, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। ये क्या? इस मायावी शक्ति ने मुझे स्तंभित कर दिया है। मैं अपने सांसें हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये तो बहुत ही भयानक स्वप्न था। हनुमान, माँ, मैं स्तंभित हो गया था स्वप्न में। मेरे सामने ही नहीं नहीं क्या हुआ मेरे लाल? कोई दुःस्वप्न देखा था क्या, इसलिए इतने विचलित हो? स्वप्न तो मिथ्या है, भ्रम है। और फिर जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो ना, तो मनुष्य परिस्थितियां ही नहीं अपना भविष्य भी बदल देता है। हनुमान, क्या हुआ? मुझे हनुमान का स्वर सुनाई दिया? स्वप्न देखा था इसीलिए तनिक विचलित हो उठा है। पुत्र हनुमान, ये महादेव के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्प हैं। इन पुष्पों को अपने शीश के निकट रखकर सोओगे तो तुम्हें दुस्वप्न नहीं आएंगे। ये तो अभी भी विचलित दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, तुम मेरे अंक में सिर रख कर सो जाओ, फिर तुम्हें सुख की निद्रा भी आ जाएगी और कोई स्वप्न भी नहीं आएंगे। नहीं, पुत्र हनुमान के साथ मैं सोऊंगा। मेरे भय से तुम्हें दुस्वप्न कभी नहीं आएंगे। संतान के लिए माँ के आंचल से बड़ा कोई अन्य सुख या सुरक्षा नहीं होती स्वामी। मैं सोऊंगी हनुमान के साथ। नहीं नहीं, पिता का संबल ही पुत्र की सुरक्षा होती है। मैं सोऊंगा पुत्र हनुमान के साथ। मैंने कहा ना, मैं रहूंगी हनुमान के पास।
नहीं 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 नहीं, केसरी के साथ ही सोएंगे केसरी पुत्र। मैंने जो कहा वही होगा। अच्छा, मैंने जो कहा वही होगा, मैं सोऊंगी हनुमान के साथ। माँ और पिताश्री दोनों आमने सामने, देखें क्या होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, अंजनी पुत्र अंजना माता के साथ ही सोएगा। नहीं, हमारे साथ सोएगा हमारा पुत्र। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने कहा ना अंजनी पुत्र अंजना माता के साथ ही सोएगा। मैंने जो कह दिया वही होगा बस। मैं जो कह रही हूँ वही होगा, मेरे पास सोएगा हनुमान। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सोऊंगा उसके साथ। मेरे पास मैं सोऊंगा उसके साथ। मेरे पास मेरे साथ मेरे साथ। नहीं माँ, नहीं पिताश्री, आज केसरी नंदन और अंजनी पुत्र हनुमान अपनी माँ और पिताश्री दोनों के साथ सोएगा। जिसके शीश पर अपने माता पिता का वरद हस्त हो, उसे ना तो कोई बुरे स्वप्न और ना ही कोई असुरी माया सता सकती है। माँ एक और माँ सोएंगी और दूसरी और पिताश्री, और उनके मध्य उनका नन्हा सा लाडला सा हनुमान सोएगा। पुत्र हनुमान, ऐसे दुस्वप्न से विचलित होकर शीघ्रता से कार्य नहीं लेना चाहिए, स्वयं को हानि पहुंचती है, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, मन को शांत रखकर उसका सामना करना चाहिए। अच्छा पिताश्री, बहुत दिन हो गए आपकी गदा का सामना नहीं किया। गदा युद्ध अभ्यास। हाँ हाँ पुत्र, अवश्य कल प्रातः हम गदा अभ्यास करेंगे, किंतु उसके लिए अभी आपको निंद्रा लेनी होगी। हाँ हनुमान, सो जाओ। माँ, माता पिता हो साथ में तो संतान को भय कैसा। हनुमान क्या हुआ पुत्र, सो जाओ। जब मेरी माँ मुझे लोरी सुनाएंगी तभी मैं सोऊंगा। केसरी नंदन मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन, ओ करता छन छन यही कहता कंकन, माता करती वंदन, सो जा केसरी नंदन। पिताश्री ने कहा था कि प्रातः काल में हम गदा अभ्यास करेंगे। बहुत आनंद आएगा। माँ आप कहाँ जा रहे
रहे हो पुत्र? वो हाथ धो लो, पहले कुछ खा लो, फिर जाना। नहीं माँ, पहले मैं पिताश्री के साथ गदा अभ्यास करूँगा, फिर कुछ करूँगा। वो हाथ तो धो। नहीं माँ, बाद में धो लूँगा। मंत्री जी, किसी स्वप्न दृष्टा को बुला लीजिए। हनुमान ने कल रात को कोई दुस्वप्न देखा था। जी महाराज। पिताश्री, पिताश्री। तुम रणांगन में चलो, मैं अभी आता हूँ। जी पिताश्री। पिताश्री अभी तक नहीं आए। प्रणाम युवराज, आज आप रणांगन में? आज युद्ध अभ्यास में बहुत आनंद आने वाला है। और आपको ज्ञात है, आज मैं पिताश्री से कोई नया रण कौशल सीखूंगा। और आप सबको ज्ञात है, मेरे पिताश्री को कितनी सारी रण कौशल की नीतियाँ आती हैं। उन्हीं से तो मैंने सीखकर उन सारे असुरों को परास्त किया था। पिताश्री, आप वहाँ खड़े हैं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। कहो पुत्र, किस तरह से अभ्यास करना चाहोगे? पिताश्री, आप अपनी गदा लीजिए। अच्छा पिताश्री, आज आप मेरी गदा लीजिए और अपनी गदा से अभ्यास करने दीजिए मुझे। हाँ पुत्र, अवश्य, जैसा तुम कहो। अब आनंद आएगा। पिताश्री, अब आरंभ करें। मैं तो कब से सजग खड़ा हूँ पुत्र। हनुमान, दम लगाओ। पिताश्री, क्या हुआ? पिताश्री, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ पुत्र, तुम अपने अभ्यास पे ध्यान लगाओ। जी पिताश्री। और ये मेरा वार संभालो। ये लीजिए। क्या हुआ हनुमान? कुछ भी नहीं हुआ पुत्र। नहीं, आप दीजिए ना। पिताश्री, आपके पैरों में कुछ हुआ तो नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है पुत्र। मेरी गदा लाओ। नहीं पिताश्री, आप चलिए वहाँ। हनुमान, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पिताश्री, मैं कह रहा हूँ, चलिए विराजिए वहाँ। हनुमान। पिताश्री, चलिए ना आप। पिताश्री, अपने पैर दिखाइए। हनुमान, कुछ नहीं है, ठीक है पुत्र। नहीं पिताश्री, दिखाइए। ये क्या पिताश्री, आपके पाँव में इतने सारे छाले पड़ गए, आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी ना?
हनुमान माँ का व्रत तो पूर्ण करवा ही चुका होगा। अब तक उसे मेरे समक्ष आ जाना चाहिए था, किंतु वो अब तक नहीं आया। दंड का भागी है हनुमान। नियम है तो यम है।